हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे निकालते हैं हम, ये हमने देखा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा कि सर्कल क्या होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है और इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि किसी भी सर्कल का, किसी वृत्त का सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि क्या होती है, इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका आप सर्कमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि और क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो किसी सर्कल का जो ये सबसे लंबी जो इसकी क्या होती है, कॉर्ड होती है, इसको हम कहते हैं इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास कहा जाता है। सेंटर से आप किसी भी सर्कल पर, किसी भी बिंदु पर जब मिलाते हैं सेंटर से, ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको कहा कि डायमीटर जो है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी। तो जब आप त्रिज्या निकालेंगे तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं, डायमीटर हमेशा आपके सेंटर से पास होते हुए जाता है, इसके केंद्र बिंदु से जाता है, और केंद्र बिंदु से किसी भी बिंदु पर आप क्या करेंगे, जब किसी पॉइंट को एक रेखा खींचेंगे तो वो आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपसे कहा त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 यानी कि व्यास बाय 2, तो डी क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है किसी सर्कल का, इसकी परिधि कैसे निकालते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, ठीक है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि जो है किस पे डिपेंड करेगी, उसके डायमीटर पर। जितना बड़ा उसका डायमीटर, जितना बड़ा उसका व्यास होगा, उतना ही वो उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसकी परिधि है वो बड़ी होगी या छोटी होगी। यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 3.14 और 3.14 पाई का मान है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी या फिर 2πr इसको हम कहेंगे, ये हमने कल की क्लास में किया था, और इसका एरिया निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो इससे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ये भी है, इसमें डी इसका डायमीटर है किसी सर्कल का और ये आर इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं, यानी कि इसकी परिधि इसकी कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं कि वृत्त और दीर्घ वृत्त के बाहरी घेरे को और घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं, किंतु इनका सामान्यीकरण करते हुए किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। जैसे कि हम क्या करते थे, किसी ट्राइंगल की जब हम बात करते थे, इस तरह से इसका परिमाप निकाला जाता है, यहाँ पे एंगल होते हैं। ठीक है, अर्थात परिधि परिमाप की ही एक विशिष्ट अवस्था है, तीन या अधिक सरल रेखाओं से घिरे किसी बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम परिमाप निकाल रहे थे, जैसे ही हमने सर्कल की बात की तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इसकी परिधि हम निकाल रहे हैं। तो परिमाप क्या होता है, तीन या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तीन या अधिक सरल रेखाओं से घिरे किसी बहुभुज की सभी भुजाओं की जब लंबाई का योग किया जाता है, उनको एड किया जाता है, तो उसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, और जबकि किसी भी कोण रहित बंद वक्र के बाहरी घेरे की कुल लंबाई, अब यहाँ पे देखिए जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में कोई भी एंगल नहीं बनता है। ठीक है, इस तरह के एंगल नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट एंगल तो बनेगा। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी जब इसके चारों तरफ की हम क्या करते हैं, इसके बाहरी घेरे की जो कुल लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम इसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिधि हो गई है और इसका क्षेत्रफल हमने देख लिया है। इसके बाद हमने पहला क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि इसकी हमें परिधि निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस।
तो यहाँ पे हमें पाई का मान, हमने आपको बताया था पाई के दो मान होते हैं, पाई का मान 22/7 लेना है और पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको पाई का कौन सा मान यहाँ पे यूज करना है, कौन सा मान यहाँ पे रखना है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसकी रेडियस यहाँ पे दे रखी थी, रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या हमें गिवन थी। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था और मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चों ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इसको भी हम देख लेते हैं अपना। इसका सी पार्ट क्या है, इसका भी हमें सर्कमफेरेंस यानी कि सी से जिसको हम डिनोट कर रहे थे क्या हो जाता है 2πr, और यहाँ पे पाई क्योंकि हमें 22/7 लेना है तो 2 × 22/7 × 21, ठीक है। यहाँ पे आपका r कितना है 21 है, तो इसको काटेंगे 7 × 7 और 7 × 3 = 21, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, तो 6 × 22, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और 1 × 13, तो ये कितना आ गया है 132 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन था, तो यहाँ पे आपकी जो सर्कमफ्रेंस है वो भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, सर्कल का हमें वहां पे सर्कमफ्रेंस निकालना था, ठीक है, यानी कि उसकी परिधि हमें निकालनी थी। यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, जहाँ पे आपको देखिए पहले में रेडियस दे रखी है 14 मिलीमीटर, आपको यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है, पाई बराबर लेना है, पाई इज इक्वल टू 22/7, बी में आपको डायमीटर दे रखा है और सी में आपको रेडियस दे रखी है 5, ठीक है। तो एरिया कैसे निकाला जाता है इसका, तो यहां पे देखिए इसका ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ए में आपको आर दे रखा है यानी कि रेडियस गिवन है 14 मिलीमीटर, ठीक है, और हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें आर को स्क्वायर करना है, तो पाई का मान हमें 22/7 लेना है, तो 22/7 × r कितना है 14 × 14, ठीक है, दोनों मिलीमीटर में है तो इसको मैं मिलीमीटर स्क्वायर कर देती हूँ, दो बार इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 × 2 = 14 और 7 × 1 = 7, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 22 से हो जाएगा, तो 44 × 14 mm², ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 44 की 14 से, ठीक है, तो 4 × 16 और 1 × 17 5 और 1 × 4 = 4, तो 6 × 12 = 600, यहाँ पे 1 × 4 = 4 आएगा, ठीक है, तो ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 11, तो 6, तो कितना आ गया है इसका एरिया, एरिया को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, एरिया इज इक्वल टू 616
मिलीमीटर स्क्वायर। इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या निकाल लिया है, सर्कल का एरिया निकाल लिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, तो ए पार्ट में इसका आंसर कितना आ गया है, इसका एरिया कितना निकल गया है, 660 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसी का बी पार्ट्स आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, यानी कि इसका व्यास गिवन है। ठीक है, डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास दे रखा है कितना है, 49 मीटर। ठीक है, इसका भी हमें एरिया निकालना है, लेकिन एरिया का भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी आपके पास क्या है, इसका डायमीटर कितना है, 49 मीटर। तो R कितना आ जाएगा, R क्या होता है, D by 2, यानी कि 49 by 2। तो R कितना आ गया है, 49 by 2। अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो तब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखिए मान पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 22/7 लेना है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर, यानी कि दो बार इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर का मान यहाँ पे आप दो बार रखेंगे, 49/2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 49/2, दो बार रखना है इसका मान। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, इसका सॉल्व कीजिए और बताइए इसका एरिया कितना आ रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इस 2 को मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, काट सकती हूँ, 2 1 2 और 2 1 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं इसको। अब आप जानते हैं 7 7 49 होता है, तो 7 1 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 7 49। ठीक है, अब इसको और इजी कीजिए, 11 × 7 × 49 अपॉन में, एक 2 और 7 तो कट गए हैं, अपॉन में 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 77 × 49/2। ठीक है, अब 77 को मल्टीप्लाई कीजिए 49 से, जल्दी से, और आंसर कीजिए इसका, 77 × 49। किसी ने भी नहीं किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ गया है 3773/2, और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये तो आपको आता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ा है, 2 1 2 और 2 8 16, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन 2 8 16 और 2 6 12, डेसिमल लगाएंगे और 5। ठीक है, ये तो आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता है तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं, वैसे ये छोटी क्लासेस के बच्चे करते हैं, ये आपको यहाँ पे क्लास 7th में
उसके बाद भी नहीं आता है तो आप बाइक लेके पूछ सकते हैं कि कैसे आया। तो आपका आंसर कितना आ गया है, इसका एरिया आ गया है 1886.5, और एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप एरिया निकालते हैं वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आपका जो भी यूनिट पे होगी उसी यूनिट में आपकी सर्कमफ्रेंस आएगी, यानी कि उसकी परिधि आएगी। चलिए, इसका थर्ड पार्ट है, इसका सी पार्ट है, इसको आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सी पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो एरिया क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो कीजिए इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए, यहीं पे होमवर्क क्या करना है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2 टाइम, तो 5 × 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे। तो ये आ जाएगा 22 × 5 × 25/7, और इसको मल्टीप्लाई करके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 22, तो 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 और 1 × 5, अगेन 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4। ठीक है, और 1 × 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 550 × 7, और इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या निकल जाएगा आपका 55/7, इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, किसी वृत्ताकार जो आपके पास शीट है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 154 मीटर है। ठीक है, आप अपनी बुक से, जिन बच्चों के पास हिंदी की बुक है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आप वहां से भी, वैसे तो मैं इसको समझा रही हूँ बट फिर भी आपको लिखना है तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, और हमें उस सीट का एरिया भी निकालना है। ठीक है, एक सर्कुलर सीट है, सर्कुलर सीट यानी कि एक वृत्ताकार सीट है। ठीक है, इस तरह से, एक वृत्ताकार सीट है, इस सीट की जो है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसकी परिधि क्या है, इसके चारों तरफ की जो माप है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ये है इस सर्कुलर सीट की, ये आपका क्या है, सर्कुलर सीट। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है कितनी, 154 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
ये आ जाता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ, ये कोई सर्कुलर सीट है और इसका हमें सर्कमफेरेंस दिया है, यानी कि इसका सर्कमफेरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं 154 इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है, यानी कि आर निकालना है। ठीक है, आर हमें फाइंड करना है। तो ये आपकी इसकी यूनिट क्या है, ये मीटर में है, इसको मीटर में ही लिख लेंगे। ये मीटर है, पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो 154 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और यहाँ पे आर तो आपके पास है ही नहीं, तो आर हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, यहाँ से 2 पाई को आप इधर ले लेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसपोज करने में दिक्कत आएगी। तो मुझे आर निकालना है, तो आर को यहाँ से हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 54 मीटर बाय 2 पाई। ठीक है, बराबर हो जाएगा आर की। अब आर को हमने सेपरेट कर लिया है, आर आपका यहाँ अलग हो गया है, तो जो भी मान आएगा वो आर का मान आएगा। अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, तो ये आ जाएगा 154 मीटर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 7 14, अगेन 2 7 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 77, और 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहां से आपके पास R 49/2 बराबर R। ठीक है, तो R यहां से आपके पास क्या आ गया है, इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो R आपके पास आ जाएगा R बराबर 24.5 मीटर। ठीक है, तो R कितना निकल गया है, 24.5 मीटर। ठीक है, अब सेकेंड हमें इसका क्या निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। और एरिया निकालना है इस सीट का, तो ये क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू को ना रखते हुए इस वैल्यू को रखेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 49/2 स्क्वायर है, तो 49/2। ठीक है, तो इस 2 से ये 11, और 7 7 49, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 77, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 2। ठीक है, और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना आया था आपका, 3
डबल 7 3 बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जे 2 2 8 जे 16 अगेन 2 8 जे 16 2 6 जे 12 डेसिमल लेंगे और 5 आ जाएगा। तो ये आपका मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया निकल रहा है तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसमें भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका इस तरह से सॉल्व होगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 3773, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जे 2 माइनस होके 1 आएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, 2 8 जे 16 ठीक है अगेन माइनस करेंगे और 1 यहाँ पे आपका सब्ट्रैक होके आएगा और ये 7 आपका नीचे आ जाएगा अगेन 2 8 जे 16, तो यहाँ पर आप फिर से माइनस कर देंगे और 1 आ जाएगा यहाँ पर भी। इस 3 को हम नीचे लाएंगे, ठीक है, तो 2 6 जे 12 आ जाएगा, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, देख लेना इसको आप, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया है तो यहाँ डेसिमल लेंगे और यहाँ पर आप 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 5 जे 10 और ये पूरी पूरी बार कट गया है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आया है 1886.7। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आता होगा। तो ये हमने निकाल लिया है इसका एरिया, चलिए। तो यहां से हमने इस सर्कुलर शीट का एक तो इसका रेडियस निकाल लिया है जो कि आपका 24.5 मीटर आया है और दूसरा हमने यहां पे निकाल लिया है इसका एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, ठीक है। एक गार्डनर है, ठीक है, इसका ये सर्कुलर आपका गार्डन है कोई, ठीक है। लेट सपोज ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से होते हुए ये इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास है 21 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ द कॉस्ट रुपीज 4 पर मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, कोई गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर गार्डन को जिसका की डायमीटर कितना है 21 मीटर है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, फेंस का मतलब होता है कि वो वहां पे अब ये जो है इस पर बार लगाना चाह रहा है, ठीक है, किसी रॉड से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि वो 2 बार इस रॉड को क्या करेगा, इस तरह से लपेटेगा इस गार्डन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पहला क्या निकालना है, पहले तो हमें क्या निकालना है, इस रोप की, जिस भी रोप से वो क्या करेगा इस पर बार लगाएगा उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड, उसको कितनी रॉप की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, जो इसका सर्कमफ्रेंस, देखिए जब इसको हम चारों तरफ से लपेटेंगे तो एक बार इसका सर्कमफ्रेंस निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, उसने 2 राउंड इस फ्रेंस को क्या करना है, लपेटना है, तो सर्कमफ्रेंस को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहां पर क्या गिवन है, यहां पर आपको दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7, ये क्वेश्चन में दिया है कि हमें यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेना है, मल्टीप्लाई बाय
अब मुझे यहाँ पे r चाहिए, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, 21/2 आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2 भी करेंगे क्योंकि हमें इस सर्कमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो आपका फ्रेंस है वो दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे 2 राउंड इसको लपेटा जा रहा है इस सर्कुलर ग्राउंड के चारों तरफ से, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 22 और ये आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, यानी कि 132 मीटर, ठीक है। तो कितना उसको रॉप चाहिए होगा, लेंथ की रॉप कितनी होनी चाहिए, 132 मीटर, ठीक है। अब इसका और क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है हमें, ठीक है, और पर मीटर पे 4 रुपए का जो है यहाँ पे खर्चा आ रहा है, तो हमें इस रॉप का कॉस्ट निकालना है। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ कितनी आए, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे किससे, रेट से, और रेट कितना दे रखा है, 4 रुपए पर मीटर पे, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ हमने अभी अभी यहाँ पे निकाली है, लेंथ इसकी आ गई है 132 मीटर। तो 132 मीटर मल्टीप्लाई बाय, और कॉस्ट रेट कितना है, ₹4 पर मीटर, यानी कि मीटर इस तरह से लिखेंगे पर मीटर को, तो यहाँ मीटर से मीटर आपका कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा ₹500, ये रुपीज में आ जाएगा, कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, ₹528। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस और इसके एरिया पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।